तो खबरें विस्तार से। नरेंद्र मोदी आज शाम 7:15 पर राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। इसके साथ ही मोदी सरकार के स्वरूप और इसमें शामिल मंत्रियों को लेकर चर्चा का दौर जारी है। पीएम मोदी ने रविवार को शपथ ग्रहण समारोह से पहले अपने संभावित कैबिनेट मंत्री लोम्बाराम चौधरी जी राजस्थान से आते हैं और किसान केसरी के नाम से भी जाना जाता है। सबसे पहले आपसे बात करूंगी, बहुत 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 बधाई सर, आप जीत के आए, 2,00,000 मतों से आप सर जीत के आए। बहुत बहुत धन्यवाद जी सर। सबसे पहले अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को 2,00,000 से अधिक मतों से आप जीत कर आए, क्या कहेंगे सर? मैं हमारे जालौर सिरोही और छाछौर की देवतुल्य जनता, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता, सभी पदाधिकारी, सभी जनप्रतिनिधि और हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि जिन्होंने मेरे जैसे साधारण कार्यकर्ता को टिकट दिया और मैदान में उतारा और उनकी ही देन है, उनकी ही मेहनत से ही भारतीय जनता पार्टी यहाँ से लाखों वोटों से जीती है, 2,00,000 वोट से। लेकिन सर बात करें पिछली बार की तुलना में, पिछली बार 25 में से काफ़ी सीटें थी भाजपा की, लेकिन इस बार 14 सीटों पर ही संतुष्ट होना पड़ा है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? मैं तो यहाँ से जालौर सिरों से इलेक्शन लड़े हैं, जालौर सिरों के बारे में बता सकता हूँ क्योंकि मैंने इलेक्शन यहाँ से लड़े हैं। जो इसी जब मैं इलेक्शन लड़ रहा था तो मुझे बाहर जाने का मौका ही नहीं मिला था। इस बार भाजपा में सर मिलीजुली सरकार आई है, क्या लगता है कि सरकार पूरी तरह से चल पाएगी, क्योंकि नीतीश कुमार को जो कहा जा रहा है कि कभी भी पलटी मार सकते थे? आपने परसों देखा होगा आदरणीय नरेंद्र जी मोदी के नेतृत्व में सभी घटक हमारे हैं, वो सभी साथ हैं और उन्होंने कहा कि बिल्कुल साथ रहेंगे, मोदी जी का जो आदेश होगा वो हमारे लिए मान्य होगा और हम बिल्कुल साथ रहेंगे। और पूर्ण विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार 5 साल आदरणीय नरेंद्र जी मोदी के नेतृत्व में चलेगी। आज पीएम मोदी आज शपथ ग्रहण करेंगे, उस बारे में सर क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरह से पीएम मोदी जीते हैं थोड़ा कम संतुष्ट होना पड़ा भाजपा को, लेकिन 370 का करीब आंकड़ा नहीं आया, इस बारे में सर क्या कहेंगे? हमें बहुत खुशी है, हमारे कार्यकर्ताओं में बहुत खुशी है और जनता में बहुत खुशी है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आज 3री बार प्रधानमंत्री की शपथ ले रहे, उसके लिए सभी जनता और सभी के अंदर बहुत खुशी है, हमें भी बहुत खुशी है। शुक्रिया आपसे बात करने के लिए। तो ये थे जालौर सिरोही से नवनिर्वाचित सांसद लोम्बाराम चौधरी जी, कैमरा पर्सन राधे के साथ आरती राय A1 TV दिल्ली।